Hey my beautiful gardeners, welcome back to my channel Organic Rooftop Gardening. आज हम ये जो मेरा चीकू का प्लांट है इसको हम रीपॉट करेंगे क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत ही छोटे गमले में लगा हुआ है और जिसकी वजह से मुझे इसकी पूरी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है. यू कैन सी ये 10 इंचज़ का पॉट है और दो इट इज़ ग्रोइंग और आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी प्लांट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसमें इसकी ग्रोथ बढ़े और तो उसके लिए मुझे इसको रिपॉट करना पड़ेगा क्योंकि चीकू के प्लांट को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए ग्रोथ के लिए ताकि वो अच्छी फ्रूटिंग दे सके. तो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए जो गमला है वो तैयार किया हुआ है. देख सकते हैं इसमें किचन वेस्ट डाला हुआ है. नीचे थोड़ा मैंने रेत यानी कि रिवर सेंट और थोड़ा जो कुछ भी मेरे पास गार्डन से निकली हुई थोड़ी मिट्टी थी वो डाली हुई है. और उस सबसे पहले मैंने इसका जो इसके अंदर जो होल किया है होल को मैंने थोड़ा कवर कर दिया है ताकि मिट्टी नहीं निकले. और उसके बाद इसमें मैंने सूखी लीव्स जो होती हैं पत्तियां और कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो मैंने डाली हैं ताकि जब तक इसकी इसकी जो रूट्स हैं नीचे तक पहुंचे तब तक वो कंपोस्ट बन चुका हो प्रॉपरली तो और मिट्टी भी उससे नीचे नहीं निकलेगी तो वो मैंने डाला है. उसके बाद इसमें फ्लेयरिंग करके रेत बदरपुर थोड़ी मिट्टी और फिर से जो किचन वेस्ट है वो मैंने डाला है. किचन वेस्ट मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने साइडों में कर दिया है और बीच में मैंने स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लांट लगाना है क्योंकि मैं अपने जो प्लांट की जो मिट्टी है वो हटाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मिट्टी की शॉर्टेज है और मेरे पास मिट्टी नहीं होती है तो मैं इसी मिट्टी को यूज़ करूँगी और इसी मिट्टी को पोरस करूँगी. कैसे करेंगे आई जस्ट शो यू. प्लांट मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ. लेट मी जस्ट यू कैन सी मैं इसको ऐसे ही रखूँगी बीच में और क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो मुझे सही नहीं लगती है तो मुझे इसे पोरस करना पड़ेगा. मैंने इसमें पानी दिया था तो देख सकते हैं आप इसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है तो आज इसके लिए थोड़ा हम काम करते हैं. इसको बीच में रख के इसको मैंने बीच में रख लिया है बिल्कुल और ये आप देख सकते हैं ये है रिवर सेंट मिक्स विद बदरपुर तो मैं ये थोड़ा इसके आसपास डालूँगी. थोड़ा ही डालना है मुझे बता नहीं डालना है क्योंकि मुझे इसे इसकी जो मिट्टी है इसको मिक्स करना है इसके अंदर क्योंकि मुझे इसकी जो मिट्टी है वो पोरस नहीं लगती है. और उसके बाद जो ये बची हुई मिट्टी है इसी की उसी को मैं डालूँगी. साथ में ये थोड़ा काउडंग मैन्योर है थोड़ी गार्डन सॉइल के साथ मिक्स किया हुआ है मैंने इसको मैं थोड़ा डालूँगी क्योंकि जो किचन वेस्ट है उसको भी हमें कवर करना है ताकि इसमें फंगस ना लगे और जो हमारा प्लांट है वो उसमें उसके रूट्स जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें फंगस ना लगे. तो एक लेयर हमने रेत की डाल दी एक लेयर उसकी मिट्टी की डाल दी है हमने. हम फिर से एक लेयर रेत की डालेंगे. और फिर से जो हमारे पास
इसकी मिट्टी है वो थोड़ी सी डाल देंगे। इसके बाद इसकी जो मिट्टी है थोड़ा सा हम इसको ऐसे दबाते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने रेत डाला है इसके अंदर और सारा पानी नहीं निकल जाए, इसलिए भी हम थोड़ा सा दबा देंगे और इसको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी थोड़ी सी, वरना ये सीधा नहीं रह पाएगा। और बची हुई मिट्टी जो कि ऑलरेडी पानी है इसके अंदर, तो मैं थोड़ा और डाल देती हूँ इसके अंदर इसको कवर करती हुई, ताकि हमारे प्लांट को कोई भी इशू ना हो। और इसके साथ ही थोड़ा और काउ डंग मैन्योर मिक्स विद द गार्डन सॉइल। न्यूट्रिशन की इसको कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने किचन वेस्ट डाला है, जो गमला है ऑलमोस्ट किचन वेस्ट से ही भरा हुआ है। तो किचन वेस्ट जब हम लेते हैं किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, जब सिर्फ किचन वेस्ट का ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर अपना अपना लिक्विड होता है, तो हम पौधे को, एक तो हमें ये फ़ायदा होता है उसके लिक्विड से, हमें पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता, दूसरा इसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, तीसरा एक बस इशू थोड़ा सा रहता है कि इसमें कहीं कीड़े ना पड़ जाएं, जिसकी वजह से हम जो, क्योंकि ये कंपोस्ट तो बनेगा ही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो किचन वेस्ट है उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, ताकि मिट्टी हुआ, रेत हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब उसको कवर कर देते हैं अच्छी तरह से, ताकि जो हमारा किचन वेस्ट है उसमें फंगस नहीं लगे और वो इजीली कंपोस्ट बन सके। थोड़ा और रेत हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो भी इसकी ज़रूरत है, इसकी जो मिट्टी बिल्कुल पोरस नहीं थी पहले, तो वो जो रिक्वायरमेंट है मिट्टी की वो कंप्लीट हो जाए। मौसम थोड़ा अच्छा है आज, धूप नहीं है, तो इजीली ये ग्रो कर जाएगा। और इसके अलावा थोड़ी और मिट्टी डाल देते हैं हम। ये हमारा चीकू का प्लांट लग चुका है। अब आप देख रहे हैं इसमें स्पेस अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, मैं क्या करूँगी, किचन वेस्ट जो भी मेरे को मिलता जाएगा मैं इसको फिल कर दूँगी अच्छे से, और ये सेम प्रोसीजर, सेम लेयरिंग करूँगी, किचन वेस्ट के ऊपर मिट्टी डाल दूँगी, ताकि जो फंगस है, अनवांटेड जो कीड़े हैं वो नहीं लगे और हमारे पौधे को ख़राब नहीं करें। तो दैट्स हाउ आई एक्चुअली प्रिपेयर माय पॉट फॉर प्लांट्स। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। आप भी कोई भी अगर प्लांट आपको लगाना है तो आप भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास भी मिट्टी की कमी है, मिट्टी नहीं है, तो मैं मिट्टी इसी तरह से बनाती हूँ। मैं ऑलरेडी जो गमले हैं उनको पहले से फिल करके रख लेती हूँ ये किचन वेस्ट से ही, और उसके ऊपर मिट्टी डाल के रख लेती हूँ, ताकि वो डिकम्पोज हो सके अच्छी तरह से, और मिट्टी रेडी हो जाती है, उसी में मैं प्लांट लगा देती हूँ, विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एज वेल, सो यू डोंट नीड टू वाटर इट अगेन एंड अगेन, I'll just water it once properly and then I'm done with like for many days. Agar barish ho jati hai, then I'll collect some rain water and I'll pour it into it as well.
ताकि इसकी जो बारिश वाली ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। और मैं इसे शेडी एरिया में रखूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे बारिश का पानी भी इसके लिए नहीं चाहिए अब, और मुझे कम पानी चाहिए, तो मुझे इसे बार बार देखना होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना भर जाए और बहुत ज़्यादा इसको धूप भी ना लगे। 2-4-5 दिन मैं इसको थोड़ा सा, मुझे इसकी केयर करनी पड़ेगी ताकि मेरा पौधा आराम से चल सके। सो दैट्स हाउ वी रीपॉटेड इट। और अब थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, जिस पे मैं अच्छे से स्प्रिंकल करके, मैंने बहुत सारा पानी इसके अंदर डाल दिया है अभी, क्योंकि वंस फॉर ऑल है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि नीचे तक इसमें पानी आ जाए। मैंने नीचे इसमें ट्रे लगाई हुई है, तो जो भी इसका पानी या किचन वेस्ट का जो भी लिक्विड निकलेगा वो ट्रे में ही निकले और मैं उसको वापस से इसी के अंदर डाल सकूँ अगर ज़्यादा निकलता है तो। इसमें अब पानी के देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पानी इसके अंदर ऑलरेडी भी है और इतना पानी मैं डाल चुकी हूँ जिसमें इसकी पूरी मिट्टी गीली हो जाए। एक बार इसकी पूरी मिट्टी गीली हो जाने के बाद फिर मुझे इसमें पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर किचन वेस्ट है जिसमें अपना एक अपना बहुत ही न्यूट्रिशियस लिक्विड होता है जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसी लिक्विड से इनको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस सभी की ज़रूरतें इसकी पूरी हो जाएंगी। जितने भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है पौधे को, वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी इसी से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज हमने चीकू का प्लांट लगाया है। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।